हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से नए वीडियो के साथ। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन डेट 16 जनवरी 2020 को स्टार्ट हुआ था और 24 अप्रैल 2020 को ख़त्म हुआ था शाम 5 बजे था। और अब ट्रिपल एम यू टी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक और ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ट्रिपल एम टू गोरखपुर ने एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि ऑल द कैंडिडेट ऑफ मेट 2020 सीकिंग करेक्शन इन देयर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जेंडर चेंज फ्रॉम फीमेल टू मेल, कैटेगरी चेंज फ्रॉम एस सी एस टी टू जनरल, आर रिक्वेस्ट टू डिपॉजिट द करेक्शन चार्ज इन द अकाउंट गिवन बिलो थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग और एट एनी बैंक ऑफ ब्रांच। उन्होंने इसमें बताया है कि जो भी मेट कैंडिडेट ने 2020 का फॉर्म भरा है, अगर उनके उनका नाम, पिता का नाम, माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ या ईमेल आईडी, या आप जेंडर में मिस्टेक हो गया है, या कैटेगरी चेंज एस सी एस टी जनरल, जो भी मिस्टेक हो गया है, आप इन सब को करेक्ट कर सकते हैं, इन सब का चार्ज लगेगा। उन्होंने अपना अकाउंट नंबर दिया है, एडमिशन अकाउंट नेम एडमिशन से अकाउंट नंबर, यह है आईएफएससी कोड उन्होंने दिया है, ब्रांच नेम उन्होंने लिखा है। नीचे उन्होंने बॉक्स में बताया है कि करेक्शन चार्ज किसका कितना करेक्शन चार्ज लगेगा। पहला है नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी। अगर आपका मिस्टेक हो गया, अगर आप इसको करेक्ट करते हैं तो आपका 1000 रुपीज़ चार्ज लगेगा। अगर आप जेंडर चेंज करते हैं फ्रॉम फीमेल टू मेल या मेल टू फीमेल, फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट, उनका फ़ीस लगेगा 1750 रुपया, जिसमें से 1000 करेक्शन चार्ज लगेगा, प्लस 750 रुपया एडिशनल एप्लीकेशन फीस अलग से चार्ज लगेगा। जेंडर चेंज फ्रॉम मेल टू फीमेल टू मेल या मेल टू फीमेल, फ्रॉम एसटी एसटी कैंडिडेट, उनका फीस है 1000 रुपये। या कैटेगरी चेंज फ्रॉम एससी एसटी टू जनरल, फॉर फीमेल के लिए 1000 रुपये लगेगा, और कैटेगरी चेंज फ्रॉम एससी एसटी टू जनरल फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 1750 रुपये लगेगा, जिसमें से 1000 रुपीज़ करेक्शन चार्ज होगा, प्लस 750 रुपया एडिशनल फीस एप्लीकेशन फीस लगेगा। प्रोसेस में पहला नंबर है डिपॉजिट करेक्शन चार्ज। आपको करेक्शन चार्ज डिपॉजिट करना होगा, जो भी अकाउंट नंबर ऊपर दिया है आपको उसमें डिपॉजिट चार्ज सबमिट करना होगा। और दूसरा है राइट एन एप्लीकेशन रिगार्डिंग द करेक्शन रिक्वायर्ड। आपने जो भी अपने एप्लीकेशन में करेक्शन किया है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि मैंने इस फॉर्म में ये करेक्ट किया है। और आपको तीसरे नंबर मेल द करेक्शन चार्ज एंड डिपॉजिट रिसिप्ट हैंड राइटिंग एप्लीकेशन एंड प्रूफ ऑफ करेक्शन एट ईमेल आईडी correction@triplemut.ac.in। आपको मेल करना होगा अपना एप्लीकेशन अपने हाथ से लिखा हुआ, डिपॉजिट फीस जो आपने एप्लीकेशन नेम में चेंज किया है उसका आपने डिपॉजिट जो करेक्शन फीस किया है आपको उसका रिसिप्ट आपको इस ईमेल आईडी पे सेंड कर देना है। और चौथा लिखा है कि वंस द एबव डॉक्यूमेंट विल रिसीव्ड, इट विल बी करेक्टेड एंड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू मेल। चौथे नंबर में लिखा है कि एक बार आपका जो आपने जो रिसीव ईमेल किया, ईमेल के थ्रू जो भी किया गया, अगर वो उनको मिल जाएगा तो वो करेक्ट हो जाएगा, इट विल बी करेक्टेड एंड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू मेल, और कैंडिडेट को उनके मेल के थ्रू बता दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और एजुकेशन से रिलेटेड कॉलेज एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग जैसे और भी जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।